आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी रेसिपी जो 5 मिनट में बनके रेडी होगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाला है। ये वीडियो को पूरा वॉच करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सोयाबीन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को पानी में उबाल देंगे 5 मिनट के लिए, फिर उसे छान के उसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसे हम साइड में रख देंगे। फिर हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को हल्का गर्म कर लेना है। फिर उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डालना है। तेल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद मसाला मिक्स करा हुआ सोयाबीन डालेंगे और इसे डाल के 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, एकदम क्रिस्पी से हो जाएगा। सोयाबीन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे। सुपर टेस्टी सोयाबीन फ्राई रेडी है, एंजॉय करिए।